हे गाइस, टीम इंडिया की गाड़ी पहुंच गई है हैमिल्टन। अब ऑकलैंड से हैमिल्टन आई हैव रेड इट्स जस्ट अ 2 आवर ड्राइव एंड इट्स अ वेरी सीनिक ड्राइव। इट्स वेरी पिक्चरस्क एंड वैसे तो पूरा न्यूजीलैंड ही बहुत पिक्चरस्क है, पर कह रहे हैं ऑकलैंड से जो हैमिल्टन की ड्राइव आई हैव रेड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सीनिक। और इवन जो सेडन पार्क जो वहाँ पे है, जो वेन्यू है हमारा हैमिल्टन में, वो भी बहुत पिक्चरस्क है और बहुत ग्रीन है उसके। आप अगर आप जब मैच होगा, पहले जो मैंने मैच देखा है मैंने वहाँ पे, तो टेलीविज़न पे भी जैसे उसकी जो सेटिंग है उस स्टेडियम की, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी कंट्री साइड में हैं, आप विलेज में आए हुए हैं। इट्स ग्रीन, इट्स ब्यूटिफुल। और लोग वहाँ जैसे आते हैं ग्रास बैंक्स पे बैठते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बहुत कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा है। ऐसा लगता है दो फ्रेंडली टीम्स खेल रही हैं, तो देखने में भी बहुत मज़ा आता है न्यूजीलैंड में जो मैचेस होते हैं। और अब इंडियन टीम भी होपफुली वहाँ पे थोड़ी सेटल हो गई है। सेटल होने के प्रोसेस में वो इतना अच्छा खेले तो आप सोच सकते हैं अब सेटल होने के बाद वो कैसा खेलेंगे। एनीवेज, न्यूजीलैंड, अब अगर कल के मैच का हम प्री मैच क्योंकि हम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग फोर्थ सेशन। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब आ रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। कल के मैच का अगर हम प्री मैच करें तो क्या वीकनेसेस हम देखते हैं दोनों टीम्स में, हम इसकी बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से क्योंकि ज़्यादा बात करने को है नहीं। अगर हम इंडिया से स्टार्ट करें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है इस टीम में जो कि प्रॉब्लम कर रहा हो इंडिया के लिए। रोहित शर्मा, वी ऑल नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो उस फॉर्म में आए। और जैसे वो रन बनाते हैं, बहुत सरप्राइज हुआ हूँ मैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। इज ट्राइंग टू गो फॉर द लेदर फ्रॉम बॉल नंबर वन। वो ऐसा करते नहीं हैं। एनीवेज, आई थिंक होपफुली विल गेट इज ड्यू शेयर ऑफ रन इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल। और KL राहुल सुप्रीम फॉर्म, विराट कोहली जिस तरह से बॉल उनके बैट पे आ रही है, श्रेयस अय्यर, तो मुझे ऐसा इंडिया हैज़ गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड। बॉलिंग में भी इंडिया का सब ठीक है। बुमराह बहुत ही अच्छे, बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली जडेजा, वो फील करा रहे हैं कि वो इस टीम में क्यों ज़रूरी हैं। अगर हम केवल जस्ट टू बी अ डेविल्स एडवोकेट और बस कुछ ना कुछ अगर नुक्स निकालना ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया की बैटिंग माइट है, जो बैटिंग प्रोवेस है, उसको देखते हुए वी कैन गो फॉर नवदीप सैनी इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। येस, शार्दुल ठाकुर कैन गिव यू दोज एक्स्ट्रा 10-15 हैंडी रन एंड दैट टू वेरी क्विकली, बट आई थिंक विद दिस बैटिंग लाइनअप आई डोंट पर्सनली थिंक यू नीड शार्दुल ठाकुर अ बैट्समैन टू विन यू मैचेस। एंड नवदीप सैनी की बॉलिंग क्वालिटी उनसे बहुत ज़्यादा, और आई थिंक यहाँ की जो पिच है, हालांकि ये बहुत ही प्लेसिड विकेट है, पाटा विकेट होता है, लेकिन आई थिंक वी शुड ट्राई हिम आउट, वी शुड गिव हिम अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ऋषभ पंत के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, आई कैन नॉट फैदम हाउ ऋषभ पंत कैन बी इंडक्टेड इन टू दिस स्क्वाड, क्योंकि KL राहुल कीपिंग कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उनको एज ए प्रॉपर बैट्समैन किस नंबर पर आप खिलाएंगे। मनीष पांडे हैज डन नथिंग रॉन्ग, कहीं पे कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी मौका मिलेगा ऋषभ पंत को। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इंडिया का जो एक चेंज हो सकता है वो यही हो सकता है कि नवदीप सैनी खेलें शार्दुल ठाकुर की जगह। अब आते हैं हम न्यूजीलैंड, जो होम टीम है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा उनके देखे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स समझ नहीं आ रहा कहाँ लाइक कर रही है। अगर कोई बोलता है कि उनकी प्रॉब्लम्स बॉलिंग में लाइक करती है, तो मैं आपको बता दूँ पिछला वनडे वो बॉलिंग की वजह से नहीं हारे हैं, वो पिछला वनडे अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं। उनके बैट्समैन बिल्कुल रन नहीं बना पाए उस विकेट पे, और लेकिन उसी टाइम पे आप बैटिंग को कुछ दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि पहले वनडे में जहाँ पिच अच्छी थी उनके बैट्समैन अच्छा खेले। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग जो है उसमें आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है। क्वालिटी है उनके पास एज फार एज द बैटिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न। आई थिंक द कीवीज हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वालिटी देयर। बाय ऑर्डर आई मीन जो उन्होंने कॉलिन डी ग्रैंडहोम है, आई थिंक या तो वो ड्रॉप होंगे, और अगर वो ड्रॉप नहीं होते तो मुझे लगता है नंबर फोर उनके लिए नहीं है, नंबर फोर थोड़ा ज़्यादा आगे, मुझे लगता है वो नंबर फाइव या नंबर सिक्स में होंगे। क्योंकि ग्रैंड होम जब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए तो स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं यूजुअली, और वो आते ही स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ही स्ट्रगलिंग
टू पुट इवन बैट टू द बॉल. तो मुझे नहीं लगता कि वो नंबर फोर बैट्समैन होने चाहिए. कॉलिंडी ग्रैंडहोम को अगर 10 बॉल भी मिलती है, मुझे लगता है वो फियरलेस जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है वो यूज़ करनी चाहिए, उनको नीचे लाना चाहिए. लेकिन उसके साथ फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे ऐसा साथ साथ ये भी लगता है कि हम जो कीवीज हैं वो साइफर्ट की बैटिंग एबिलिटी को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइफर्ट इज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन. ट्रस्ट यू मी, आप साइफर्ट की बैटिंग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उनको नीचे डाल के. मुझे ऐसा लगता है उनको टॉप थ्री में खेलना चाहिए. अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है टॉप थ्री में किसकी जगह. आई कैन नॉट सी गप्टिल कमिंग डाउन. तो जस्ट फॉर अ सजेशन या जस्ट फॉर चेंज, आई थिंक कि साइफर्ट कैन ओपन विद गप्टिल एंड मुनरो कैन कम डाउन टू नंबर थ्री और केन विलियम. उसके बाद वो फ्लोट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से. केन विलियमसन इज अ वंडरफुल बैट्समैन, बट इन दिस फॉर्मेट ही इजंट से विराट कि जिनको उनकी जगह नहीं छोड़नी चाहिए. आई थिंक साइफर्ट मस्ट प्ले इन द टॉप थ्री एंड इट मेक्स सेंस इफ ही ओपन्स अप विद गप्टिल एंड देन वन डाउन इफ वी कैन हैव कॉलिन मनरो एंड देन दे कैन डिसाइड हु टू फ्लोट और वेदर केन विलियमसन विल कम. मुझे आई कैन नॉट सी कॉलिन डी ग्रैंडहोम कमिंग एट नंबर फोर. हो सकता है साइफर्ट वाला ये करें ना करें, बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने ठीक किया था नीचे, तो हो सकता है वो साइफर्ट को अपनी जगह पर रखें. साइफर्ट कीप्स ऑन प्लेइंग एट नंबर फोर ओनली, नंबर सिक्स ओनली. लेकिन कॉलिन डी ग्रैंडहोम को मुझे लगता है कुछ, क्योंकि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं. अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक टैक्टिक्स है या कोई उनको इंजरी प्रॉब्लम है, कुछ बात है, बिकॉज एज अ शियर बैट्समैन ना उनके पास कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है इस समय. आई नो दैट क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, लेकिन उनकी फॉर्म बहुत ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी हो गई है, स्पेशली अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स. तो ये उनकी बैटिंग, मुझे लगता है ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि उनके बैटिंग कोई नया बैट्समैन लाने की जरूरत है. आई थिंक दे आर लुकिंग ऑल क्वाइट ऑल राइट. बॉलिंग में मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मुझे उनके बॉलर्स टिम साउदी और वो दो स्पिनर्स को आप हटा दीजिए, सैंटनर और सोडी, तो वो क्लब बॉलर्स लग रहे हैं. वो चाहे वो हैमिश बेनेट हों, चाहे वो जो दूसरे उनके टिकनर हों, वो बिल्कुल भी उनमें वो क्लास नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत लकी होना पड़ेगा उनको. वो लकी ब्रेक थ्रूज ही उनको मिल सकते हैं. वो ना रन रोक पा रहे हैं ना विकेट ले पा रहे हैं. उनको ये भी नहीं पता उनका रोल क्या है. बोथ आर जस्ट रनिंग एंड हिटिंग द डेक हार्ड, बस उसके बाद वो इंडियन बैट्समैन को छोड़ दे रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि न्यूजीलैंड के पास इस समय ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उनके सारे अच्छे बॉलर्स वीक हैं, सारे बॉलर्स इस समय उनके इंजर्ड हैं. तो जो उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं, मुझे लगता है नाम भूल गया मैं, एक तो है स्कॉट कुगरलिंग जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी आपने देखा होगा, ही इज अ हैंडी बैट्समैन ऑल्सो. तो मुझे लगता है वो तो आएंगे ही आएंगे टिकनर की जगह, स्कॉट कुगरलिंग. और एक और है डैरन मिचेल आई गेस. तो मुझे लगता है कि मिचेल को या तो वो रिप्लेस करेंगे किसी स्पिनर के साथ, उसमें मुझे लगता नहीं वो सोडी के साथ करेंगे, या तो वो सैंटनर से रिप्लेस करेंगे मिचेल को, या फिर वो हैमिश बेनेट से करेंगे. मुझे लगता है बेनेट के साथ करना ज़्यादा ठीक है, लेकिन ये अगेन कीवीज की ऑप्शन है, वो किसको बैठाना चाहते हैं. डोंट बी सरप्राइज अगर वो ग्रैंडहोम से कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रैंडहोम को फिर भी इन्हें एक चांस और देना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉट कुगरलिन तो डेफिनेटली खेलेंगे, और मुझे लगता है टिकनर डेफिनेटली नहीं खेलेंगे. तो ये न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि ए चेंज ऑफ वेन्यू, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, चेंज ऑफ वेन्यू वुड ओनली डू देम अ गुड, अ वर्ल्ड ऑफ गुड इन फैक्ट. और बहुत ज़्यादा उनको फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा. वो बहुत ज़्यादा कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो क्वालिटी दिख नहीं रही है इंडियन पेस अटैक, इंडियन स्पिनर्स को खेलने की. इसलिए मुझे लगता है कि टिम साइफर्ट वो जो लिबरेटिंग रेट खेलते हैं टॉप पे, आई थिंक फियर ऑफ फेलियर को पीछे रख के साइफर्ट को आगे भेजना चाहिए. हालांकि मुझे लगता नहीं कि वीज ये करेंगे. मुझे लगता है दे विल अगेन गो विद गप्टिल एंड मनरो. एंड मनरो ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, वो तो बस साइफर्ट की जो बैटिंग एबिलिटीज हैं, वो ही इज अ डिवेस्टिटिंग ओपनर इंडिया के साथ, वो पहले भी ये दिखा चुके हैं. तो आई एम ऑल्सो बिट सरप्राइज कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. एनी वेज, तो ये है कल के मैच में. हैमिल्टन में मैच है, हैमिल्टन वहाँ जो कीवी की सबसे बड़ी जो न्यूजीलैंड की नदी है वहीं से बहती है वो. तो इट्स एन इनलैंड सिटी और बहुत पिक्चरस्क है. जैसे मैंने पहले बोला, कल आप ग्राउंड देखिएगा, ग्रास बैंक्स, लोग आराम से पिकनिक वाला माहौल रहता है. और न्यूजीलैंड हालांकि दे शुडंट ट्रीट इट एज अ पिकनिक, उनके लिए ये डू और डाई इनकाउंटर है. और आई थिंक इंडिया
जैसे ही मैं टीम देखता हूँ इंडिया की, ये लोग चाहे 10-0 से भी अप हो, ये अपनी इंटेंसिटी छोड़ते नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं फिर से बोलूंगा, बस इंडिया को जो एक चेंज करना है वो यही है कि वो नवदीप सैनी को ला सकते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह, और दूसरा दे जस्ट डोंट नीड टू बी कॉम्प्लेसेंट, उनको अपनी वही इंटेंसिटी मेंटेन करनी है, बैट फर्स्ट बैट सेकेंड। एक और मैं आपको बात बताना चाहता था, ये भी छोटा ग्राउंड है, आई डोंट नो कि अब डायमेंशंस क्या है, पर पिछली जो मैंने सीरीज यहाँ देखी थी इनकी और जो यहाँ मैचेस खेलती न्यूजीलैंड, ये भी एक छोटा ग्राउंड है, लेकिन जो सरप्राइजिंगली जो यहाँ पिछले 4 T20s हुए हैं वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है। उसके साथ साथ मैं इन द सेम रन आई शुड ऐड कि वो ज़्यादा डिफरेंस से नहीं जीती हैं, कोई 4 रन से, कोई कुछ बहुत क्लोज मैच हुए हैं। तो अगेन इट बी इंटरेस्टिंग जो टीम टॉस जीती है क्या करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है बीट केन विलियमसन और विराट कोहली, हुअर विंस द टॉस विल डिसाइड टू बॉल फर्स्ट, और इट इज अगेन गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट स्पेशली व्हेन सीरीज इज ऑन द लाइन। तो गाइज देखिए, कल मैं आपके साथ पोस्ट मैच करूंगा, होपफुली वी हैव एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर टुमारो, नॉट लाइक द लास्ट वन जहाँ पे हम बोर से हो गए थे। तो देखते हैं, सी यू गाइज, 4 सेशन देखते रहिए और सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, हिट द बेल आइकन।